हाय दोस्तों, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी सैमसंग मोबाइल को ओडिन टूल से अगर फ्लैश करते हैं और फ्लैशिंग के दौरान अगर उसमें फेल लिखता है, इरोर आता है, इरोर का मैसेज आता है, तो उस दौरान में आप क्या कर सकते हैं, उस हालत में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ओडिन टूल से मैं जो है सैमसंग मोबाइल को फ्लैश करना चाहता हूं और ये फ्लैश फाइल मेरे पास पहले से ही मौजूद है सैमसंग J56 का, और इस फ्लैश फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया है ओडिन टूल में। उसके बाद चलिए हम इस मोबाइल को फ्लैश करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फ्लैश फाइल हमने सेलेक्ट किया था CS पे क्लिक करके, उसके बाद हमारा फ्लैश फाइल जो यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारे ओडिन टूल में आ चुका है। चलिए अब हम इसे फ्लैश करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने जैसे फ्लैश किया और हमने जिस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फ्लैश किया तो इस मोबाइल को और यहाँ पे ये फेल लिख रहा है, फ्लैशिंग नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, या किसी भी सैमसंग को आप अगर इस तरह से एरर आता है, फेल लिखता है, तो आप उस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने पहले से ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपको बता दोस्तों कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप इस घंटे को अगर आप नहीं दबाएंगे तो जब भी हम कोई वीडियो अगर अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, आपको इसकी मैसेज नहीं मिल पाएगी। तो आप इस घंटे को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी ओडिन टूल से अगर आप फ्लैश करते हैं किसी भी सैमसंग मोबाइल को और उसमें फ्लैशिंग के दौरान अगर एरर लिखता है या फेल लिखता है, तो उस मोबाइल को आप अपने Z3X बॉक्स से या Z3X के क्रैक से आप जो है फ्लैश कर सकते हैं। इसमें भी एरर लिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा तरीका अलग है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है किसी भी सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं अगर एरर का मैसेज आता है या फेल लिखता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में एक सैमसंग J56 का मॉडल है, इस मोबाइल को हमें फ्लैश करना है, ठीक है। तो हमने पहले आपको दिखाया कि हमने ओडिन टूल से इसे फ्लैश किया, उसमें जो है फेल लिख रहा है, तो इसे अब हम यहाँ पे Z3X बॉक्स में फ्लैश करेंगे। और अगर आप क्रैक से फ्लैश करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी मॉडल सपोर्ट हो क्रैक में, तो उसे आप फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने Z3X बॉक्स के टूल में जो मॉडल नंबर को सिलेक्ट कर लिए हैं। मॉडल नंबर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम अपने फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे CS पे क्लिक करके हम अपने फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैश फाइल को हमने डेस्कटॉप से ओडिन टूल में सिलेक्ट किया था, उसी फ्लैश फाइल को हमने अपने Z3X के टूल में सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे रिबूट टू फ्लैश पे हम क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। यदि अगर डाउनलोडिंग मोड पर नहीं जाता है तो हम इसे अपने हाथों से भी डाउनलोडिंग मोड पर इस मोबाइल को ला सकते हैं। उसके बाद चलिए हम इस मोबाइल को फ्लैश करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस मोबाइल को फ्लैशिंग पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है इरोर आ रहा है, यानी इस टूल में भी जो है फ्लैशिंग नहीं हो रहा है ये मोबाइल, जबकि हमारा फ्लैश फाइल जो बिल्कुल सही है, और हमारा फ्लैश फाइल सही होने के कारण भी ये मोबाइल जो है फ्लैश नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इस मोबाइल को दोबारा से फिर से हम इस मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर लेकर के चलते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस मोबाइल को फ्लैश करेंगे। फिर से आपको रिबूट टू फ्लैश पे क्लिक कर देना है ताकि आपका मोबाइल यहाँ पे इस टूल से बूट कर जाए, Z3X टूल से। उसके बाद आपको यहाँ फ्लैश फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं ये वाला फाइल जो है, इस फाइल को आपको अनचेक कर देना है, इस फाइल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको फ्लैशिंग मारना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यह मोबाइल जो हमारा जो फ्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल फ्लैश हो रहा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखा दूँ दोस्तों, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रीडिंग यहाँ पे चल रहा है, उसी तरह से मोबाइल में भी यहाँ पे रीडिंग चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रीडिंग यहाँ पे नीचे में चल रहा है हमारे फ्लैश टूल में, उसी तरह से यहाँ रीडिंग हमारे मोबाइल में चल रहा है, ये मोबाइल हमारा फ्लैश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये हमारा मोबाइल जो है कंप्लीट पूरी तरह से फ्लैश होता है या नहीं होता है, अंत तक फ्लैश होता है या नहीं होता है। चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि हमारा मोबाइल ये फ्लैश हो रहा है या नहीं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है यहाँ पे कंप्लीट फ्लैशिंग हो चुका है। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि मोबाइल हमारा जो ऑन हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो कंप्लीट फ्लैशिंग हो चुका है और कंप्लीट हमारा मोबाइल जो है ऑन भी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।